हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष, चैनल पर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। और मैं आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो जीके का। आइए देखिए इससे कितने क्वेश्चंस आप सीख सकते हो। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि रोज रोज ही वीडियो आएगा। ग्वालियर का पुराना नाम, ग्वालियर का पुराना नाम, पुराने नाम पूछे जाते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। तो ग्वालियर का पुराना नाम गोपगिरी या गोपांचल, गोपगिरी या गोपांचल ग्वालियर। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अंगूर की खेती, अंगूर की खेती के लिए फेमस है? रतलाम। अंगूर की खेती के लिए कौन फेमस है? रतलाम। अनूपराग, अनूपराग किसने लिखा, अनूपराग किसने लिखा? तो संगीतकार कुमार गंधर्व ने लिखा। कुमार गंधर्व का नाम वैसे ही बहुत फेमस है, संगीतकार कुमार गंधर्व ने अनुपराग लिखा, इसीलिए इनको संगीत का कबीर भी कहा जाता है, संगीत का कबीर। अनुपराग कुमार गंधर्व, वो देखिए दीपक राग तो तानसेन, दीपक राग किसने लिखा था? तानसेन ने लिखा था। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो इंदौर की बागी सेना, इंदौर में बागी सेना था थी, उसके नेतृत्व किसने किया था? सादत खान ने, सादत खान। इंदौर की बागी सेना का नेतृत्व 1857 में किसने किया? सादत खान ने। देवास जिला किस संभाग का है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यदि याद नहीं है तो बड़ा टफ हो जाएगा कि देवास जिला किस संभाग का भाग है। तो उज्जैन में आता है देवास जिला। तो संभाग याद करें, उनके जिले देखें आप ध्यान से। मध्य प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं? 7 आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं। ये भी पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ उपलब्ध है, अगले वीडियो में देखेंगे हम ये सब। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र, पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में आता है? राजगढ़ में। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र राजगढ़ में, तो और भी देख सकते हैं, जैसे मालनपुर कहाँ है? भिंड में। मालनपुर भिंड में, पीथमपुर तो जानते ही हो धार में है। मध्य प्रदेश में रक्षा उद्योग, रक्षा उद्योग किस जिले में है? तो जबलपुर जिले में है, या रक्षा उपकरण संबंधी बनाया निर्माण किया जाता है। 1943-44 में स्थापित किया गया था यहाँ। कोरबा जनजाति, कोरबा जनजाति की पंचायत का नाम क्या है? कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? मेयारी कहते हैं, मेयारी। कोरबा जनजाति की पंचायत को मेयारी। तो कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? गोहिया। कोल जनजाति की पंचायत गोहिया। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेयारी क्या है? तो पंचायत का नाम है। या गोहिया क्या है? तो कोल जनजाति की पंचायत का नाम है। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है और कब बनवाई गई थी, किस काल में, निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। और कहाँ पर स्थित है? विदिशा में, उदयगिरी की गुफाएं। पीर बुधान का मेला, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी के सांवरा गांव में। कब लगता है? भाद्रपद माह में। नार्दन कोल फील्ड्स, नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है एमपी में? सिंगरौली में। सिंगरौली जिला है मध्य प्रदेश का, और इसे ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, सिंगरौली। अमृता शेरगिल फेलोशिप, अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो ललित कला क्षेत्र में दी जाती है। इसमें ₹1,000 हर माह एक वर्ष तक दिया जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार, भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कविता के क्षेत्र में। ₹11,000 पुरस्कार राशि है। अमृता शेरगिल फेलोशिप कहाँ, किस क्षेत्र में? ललित कला क्षेत्र में। मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद, मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। कब स्थापित हुआ? 1954 में स्थापना की गई थी इसकी। तो ऐसी साहित्यिक परिषद और भी है। निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में। तो वैसे ही प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, उज्जैन। मुक्तिबोध सृजन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। यहाँ सिंपल क्वेश्चन ये बन सकता है, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उज्जैन में। हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ है? सागर में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? मालवा क्षेत्र में होता है, इसीलिए मालवा को गेहूं की डलिया कहा जाता है।
पुरा स्थल नौदा टोली, नौदा टोली पुरा स्थल मतलब प्राचीन स्थल जहाँ पुरातत्ववेत्ताओं ने खोज की है। तो नौदा टोली कहाँ स्थित है? नर्मदा किनारे खरगोन में स्थित है, नौदा टोली खरगोन में। हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति? हंसते हैं रोते हैं हरिशंकर परसाई, व्यंगकार है। पिछले वीडियो हमने देखा था वसुधा पत्रिका, वसुधा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? जबलपुर से। किसने किया था? हरिशंकर परसाई ने। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ है? एकमात्र सैनिक स्कूल है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, रीवा में स्थित है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स लिख दीजिए, और यदि अच्छा लगे तो भी कमेंट्स लिखिए।